अज़बिल्लाशरिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहन भाइयों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह के करम और फजल से खैर खैरियत से होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से और अल्लाह के करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो या मैंने आज आपके साथ मांगो क्रुम्बल बनाने जा रही हूँ। या मैंने मांगो को बॉयल करके तो इस मैंने इसे ऐसे हटा लिया गुटली से, तो जिसमें मैंने शुगर भी ऐड की है। मेरे दो अदद मांगो थे, उसमें मैंने शुगर अपने टेस्ट के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे दो मीडियम साइज़ के मांगो थे जिसमें मैंने एक कप शुगर ऐड किया। तो यहाँ क्रम्बल मिक्स्ड मैं रेडीमेड लेके आई हूँ, तो मैं इन्हें ये फॉइल जो ऐसे कंटेनर है उसमें बनाने जा रही हूँ। तो आइए इस इनको पहले मैं ग्रीस कर लेती हूँ। तो यहाँ हमारी ये फॉइल जो है कंटेनर ये अच्छी तरह से ग्रीस हो चुकी है। तो अब इसमें सबसे पहले हम इनमें अपना मांगो का मिक्सचर ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने ये सारे मांगो का जो बनाया था मैंने फुल वो इसमें ऐड कर लिया, और साथ में जो शुगर मांगो में मैंने ऐड की थी वो भी थोड़ा सा सॉस बना था वो भी मैंने इसमें नाइसली 3-3 टेबलस्पून वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। और अब मैं इसके ऊपर अपना रेडीमेड जो क्रम्बल का मिक्सचर है वो ऐड करती हूँ। यहाँ क्रम्बल मिक्स जो के 320 ये देख सकते हैं आप 320 ग्राम था वो मैंने इन तीनों में ऊपर मिक्स करके तो डाल दिया। अब मैंने अपना ओवन जो है प्री हीटेड किया हुआ था। आप अपने अपने ओवन का हिसाब होता है, मेरे पे नंबर लिखे हुए हैं, तो मैंने इसे फुल पे हाफ एन आवर के लिए प्री हीटेड कर लिया था, और अब मैं नंबर 5 पे रख के तो इसे 35 से 40 मिनट तक कुक करूँगी, और साथ साथ मैं चेक करती रहूँगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, उस वक्त तक हम इसे कुक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए हमारा माशाल्लाह फ्रेश मांगो क्रम्बल बनकर तैयार हो चुका है, और इसकी खुशबू बहुत ही नाइस और टेस्टी आ रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ टाइम पर आप तक पहुँच जाएँ। इसके साथ ही मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह ने कृपा।